अस्सलाम वालेकुम लहाज़ अलहदरी पछतल कदूर मेरे खुजरी तले लाते पीपे पांडे दाबड़े तसले तकारियां प्लास्टिक दियां बोतलां खुरपियां रेडियां लईयां खरोड़ लो बदाम लो खुरमानी लो पिस्ता लो रेवड़ी लो गरम मसाला लो चा पत्ती रही है। मैं कली हो गई, मैं डली हो गई, इस बाबी जलम दुनिया दे विच कली हो गई, कोई साड़ी चीज नहीं टूटी, टूटिया टरी टटल दा दिल माइया। वेलकम टू माई न्यू वीडियो हाजा। तो बाबा जी आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों को अपने गेमिंग हाउस का टूर करवाने, लेकिन उससे पहले एक और चीज करना बहुत जरूरी थी, वो था अपना हुलिया दुरुस्त करना। यकीन मान जो जिंगा लाला हु लग रहा था मैं, लेकिन बाल शर्ट कटवा लिया, मैं कपड़े लेके नहाने जा रहा हूँ दूसरे घर, इस घर में मैं नहा नहीं सकता क्योंकि इतने जी टैंकी लगी है ना उसे कोक स्प्रेड रखी दी है। कुछ तो बाबा जी कपड़े ले लिए और अपनी हवा सा की निंजा को स्टार्ट करके चलते हैं दूसरे घर। बाबा जी कपड़े छपड़े उतार लिए लेकिन फड्डा हो गया, लाइट भी नहीं है, और जैसे ही मैं अंदर आया हूँ मैंने कपड़े छपड़े उतारे और मुझे टट्टी भी आ गई, और इस पार्ट में मुझे टट्टी भी नहीं करनी आती, लेकिन इसका एक सोल्यूशन है, कपड़े पहन के चलते हैं दोबारा दूसरी लैटरीन में। तो बाबा जी कल नहाने के बाद मुझे एक जरूरी काम पड़ गया था, मैं वहां चले गया, फिर मैं वहां से रात को आया, रात को मैं स्ट्रीम करने बैठ गया, दिन कब गुजरा पता ही नहीं चला। इसलिए आज मैं सुबह सुबह जा रहा हूँ, मैंने कहा फिर अगर गर्मी हो गई ना तो मुझे सुस्ती पड़ जानी है, लेकिन बाबा जी फ्रेश फ्रुश हो गए जाते हैं सुबह, टट्टी का भी टाइम होया है। तो बाबा जी जा रहे हैं घर की तरफ और ये छोटे भाई को साथ ले लिया, मैंने कहा कितने लोड़ी पै जाती है कल्ला ना ही आए बंदा। तो बाबा जी ये हमारे गांव का सबसे गंदा नाला है, यकीन मान जो मेरा बस चले ना मैं सारे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर मार के इसमें सट दूं और खुद ही पूरी कम्युनिटी पे राज करूं। तेरे मुंह राजी गर्मी है यार, और यहाँ पे एक नलके मिले हैं, मैंने कहा पानी पी लें, कसम से बड़ी प्यास लग गई है। थैले आइए अपनी हालत वे धुप्पे खेल के लेके काला ठंड बनया हुआ है। आहा बहुत चंगा ना मैं। तो बाबा जी ये अपना ड्रीम गेमिंग हाउस, फिलहाल तो ये ड्रीम है लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरा होगा। तो बाबा जी जिस उम्र में मेरे जैसे लड़के बैठ के अपनी नींदें पूरी कर रहे हैं ना, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, सारी रात हमारी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं सिर्फ इसी मकसद के लिए। चौथा साल है मुझे तकरीबन इस कम्युनिटी में मेहनत करते हुए, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कभी ना कभी तो काम उठेगा ही। तुम लोगों से सिर्फ इतनी की रिक्वेस्ट है कि यार तुम लोगों को सिर्फ एक क्लिक से ये सारा काम होना है, ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा है ना इस पे क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, यकीन मान जो कसम से बड़ी हेल्प होती है इससे। आओ हाँ जरा तुम लोगों को एक दफा टूर कराता हूँ। सबसे पहले और सबसे पीछे हमारा स्टार्ट होता है लिविंग रूम, जहाँ पे हमने रहना करना है, सोना करना है, खाना पीना वगैरह सब इधर ही हुआ करना है। बाकी ये यार हमारा गेमिंग रूम, हमारी शान, यहाँ पे पीसी पड़ा होगा, यहाँ पे गेमिंग चेयर बनी होगी, चारों तरफ लाइटें लगी होंगी, आए हाय चस आ जाएगी कसमें। ये ओटीएस बनाया ओपन टू स्काई, ये इसका काम ये होगा कि ये दोनों कमरों को हवा देता रहेगा, लेकिन हाँ ये पबजी में बंदा बुंदा मार के भी सटने का काम आ सकता है। ये रही है हमारी गैलरी, वहां पे लगेगा हमारा लिविंग रूम का दरवाजा, यहाँ पे लगेगा हमारा गेमिंग रूम का दरवाजा, और ये जनाब हाल है कभी कभार मंजिया मुझे डाक भी लेटने पे दिल कर पाता है। बाबा जी ये हमारा बाथरूम टॉयलेट और किचन, ये तीन दीवारें होनी है ना और उसके तीन ही से हो जाने हैं। जस्ट इमेजिन के वजीर साहब यहाँ पे बैठ के टट्टी कर रहे हैं। ये हमारे टॉयलेट में देखो पौधा किड्डा सोना लगा हुआ है, मैंने तो नोटिस ही आज की है। ये हमारी बैठक है, अगर सात आठ दोस्त आ जाए कहीं तो बंदा इकट्ठा बैठ के पबजी भी खेल सकता है यहाँ पे। और ये हमारा गराज है, अब गाड़ी तो अल्लाह ने दे भी दी लेकिन वो यहाँ तक आएगी नहीं क्योंकि बाबा जी गली छोटी है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता गाड़ी गुजरे, और मोटरसाइकिल वगैरह से काम चलाना पड़ेगा, गाड़ी जब आ गई वो कहीं और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। लेकिन बाबा जी सबसे मजे की चीज ये चेक करो सामने का, वो कितनी फिट माहौल आ गए, ये चेक करो जरा चस नहीं आ गई अभी भी जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ ना, यकीन मान जो गर्मी के मौसम में भी यहाँ पे ठंडी हवा लग रही है, और इस जगह पे बिल्कुल मीठा पानी है, यकीन मान जो ठंडा और मीठा मजेदार, नेस्ले वाले भी कुछ नहीं है थे सामने। तो यार तुम लोगों को एक बात बताना भूल गया था, ये मुझे समझ लग गई है पौधे वगैरह क्यों लगे हैं, दरअसल अगले दिन बड़ी तेज बारिशें हुई थी और यहाँ पे सारा पानी इकट्ठा हो गया था, ये सारा काम करवा के मेरे पास भी पैसे मुक गए थे और मैं मिट्टी भी नहीं डलवा सका अंदर, लेकिन इंशाल्लाह दिन रात मेहनत जारी है, उम्मीद है बहुत छेती काम पा देना है। आहा ये चेक करो बाबा जी घर के बाहर का माहौल, आहा हा हा चस का है कि नहीं। आहा वापस आ चुके हैं अपने ठिकाने पे, तुम लोगों से कुछ बातें करनी है लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखो। स्टार अनानिमस भाई ने यार मेरे साथ स्कैम किया, मैं गली में खड़ा हुआ पापड़ खा रहा था 5 रुपए वाला पोगो, तो स्टार अनानिमस भाई पास से गुजरे, कहते यार दो चेक कराना, मैंने दो चेक करवाने के लिए पापड़ दिया तो वो सारे लेके भाग गया, जस्टिस फॉर वजीर प्लीज। ये मेरी तकरीबन 2.5 साल पुरानी वीडियो है, ये मेरी पहली वीडियो थी जो वायरल गई थी और इस पे स्टार अनानिमस भाई ने कमेंट भी किया था। सिर्फ स्टार अनानिमस ने नहीं बल्कि पता नहीं कितने ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स ने मुझे अप्रिशिएट किया, बेशक वो पबजी के हों या पबजी से हट के हों, मिस्टर जे प्लेस तक ने मेरे लिए वीडियो बनाई है। इन सब की वजह क्या, क्योंकि भाई 4 साल में अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना दिमाग दिया कि भाई कंटेंट ही ऐसा पोस्ट किया कि जो देखता था उसे चस आ जाती थी, पता नहीं कैसा कैसा कंटेंट मैंने पोस्ट किया, जैसे कि ये देखो। लड़कियां भी अगर लड़कों की तरह बदमाश होती तो उनके नाम कुछ यूं होते, मानो डकेत, अनम, सपारी, शीनो, डोन, बीना, पेंजरा अली, परवीन, गुटका, कोसर, छिका, रशीदा, खुंदक, मरियम, बटवा, बल्कीस, गोली और एंड पे मेरी और आप सबकी फेवरेट शर्मीन अबैद चिमटे वाली हाजा। इरेंगल के एरिया पुचिंकी में 3 मरले का मकान किराए के लिए खाली है, जिसमें मंजियों के लिए खुली जगह, जेरे तमीर लैटरीन, छत पे जाने के लिए 33 पौड़ियां और एक खूबसूरत चबड़ा मौजूद है जिसपे चढ़ के आप गली मोहल्ले के बच्चों को बासानी वट्टे मार सकते हैं। कॉन्टेक्ट टेरी टटल टू परचेज हाजा।
नदीम नानी वाले तक ने जिसका पबजी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है उसने भी मेरी वीडियोस पे कमेंट की है। अनोनिमस भाई ने एक नहीं बल्कि दो दफा कमेंट किया है, लेकिन इन सब के बावजूद यकीन मान जो वो चीज नहीं मिली जो मैं डिजर्व करता था। ये चार साल की मेहनत के बाद मेरा हक बनता था कि मेरे अभी तक यूट्यूब पे 100 के सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो गए होते, लेकिन मुझे मेरा हक नहीं मिला। फिर मैंने यकीन मान जो डीमोटिवेट हो गए, मजबूर होकर अपनी जुबान से अपने मुंह से अपना हक मांगा है। अभी भी तुम लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक ड्रीम है छोटा सा कि मेरे 100 के कम्प्लीट हो जाए। कॉन्टेंट का मजा ना कराऊं, लाइव स्ट्रीम्स की चस ना कराऊं तो उसी वक्त अनसब्सक्राइब करके नस जाना, इतने कॉन्फिडेंस से मैं ये बात कर रहा हूं। अब मुझे इजाजत दो, मिलते हैं अगली वीडियो में या फिर रात की लाइव स्ट्रीम में। पहुंच जाया करो सारे बंदे, ठीक है बाबा जी। फिर दुआओं में याद रखना, मेरी दुआओं में हमेशा मेरे सब्सक्राइबर्स और सपोर्टर्स लेंगे। लव यू मेरी जान।